हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनमें आप 2018 में निवेश कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं, टैक्स सीजन स्टार्ट हो चुका है। इन्वेस्टर्स ATC के अंतर्गत टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स टैक्स को बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिसीजन ऐसे लेंगे जो कि शायद सही नहीं है। आपके बैंकर्स या रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको टैक्स सेविंग के नाम पर यूलिप या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करवाने के लिए जिद करेंगे, लेकिन अगर आप मेरी राय लेते हो तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि ELSS बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो PPF हो या NSE में इन्वेस्टमेंट है, चाहे टैक्स सेविंग FD की बात करें, लेकिन ELSS एक बेहतरीन विकल्प है। तो आज हम ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बात करेंगे और ऐसे कौन से 5 ELSS टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हो और लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात करूं, तो सिर्फ आपको यही नहीं देखना कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हो, बल्कि जो पूंजी आप निवेश कर रहे हो उस पर आपको एडजस्टेड इन्फ्लेशन रिटर्न भी मिल सके, ये भी आपको देखना है। टैक्स सेविंग भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें टैक्स सेविंग के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टैक्स बचाने के साथ आपकी इन्वेस्टेड पूंजी पर कितना रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो हमारे पास टैक्स सेविंग को सेव करने के लिए, यानी टैक्स को सेव करने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग FD है, PPF है, यूलिप है और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है, NSE है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। अगर मैं इन्हीं में से बात करूँ टैक्स सेविंग FD की, तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए टैक्स सेविंग FD में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो जो आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर, मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा अंडर ATC, तो आपको 1,00,000 रुपये पे आपका उतने अमाउंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट पार्ट होता है उस पर, जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है हर साल, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगी और उस पर आपको जो भी आपका मार्जिनल टैक्स लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका 8% का इंटरेस्ट आपको टैक्स सेविंग FD पे मिल रहा है, यानी 8% पर अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, दैट मीन्स 2.4% का आपको टैक्स देना होता है। दैट मीन्स आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है हर साल, वो मिल रहा है 5.4% का। मैंने सिर्फ यहाँ पे बात करी रिटर्न्स की, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को उसके रिटर्न्स को मापदंड देने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है। तो मान लीजिए कि आपकी इन्फ्लेशन रेट 6% है, जो एक मिनिमम है, वैसे तो 6.5% और 7% का मानते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 6% का इन्फ्लेशन मैंने कंसिडर करा, तो जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है 6% माइनस 5.4%, यानी आपको माइनस 0.6% रिटर्न मिल रहा है, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर एक्चुअल रिटर्न नहीं मिल रहा, आपका हर साल वैल्यू 0.6% से डाउन हो रहा है। मैं FD की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको निवेश, यानी आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ उसमें मुझे एटलीस्ट इतना रिटर्न मिल सके कि एडजस्टेड इन्फ्लेशन रिटर्न्स के बाद भी मेरी वैल्यू, यानी मेरा रिटर्न पॉजिटिव हो सके, मुझे एक्चुअल ग्रो हो मेरा वैल्यू, एक्चुअल मुझे रिटर्न मिले, या आपकी नेट यील्ड कितनी मिले वो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो सिर्फ इसीलिए आपको ये सब देखने के लिए, यानी आपको जब एक्चुअल रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ, तो इक्विटी इज द बेस्ट चॉइस टू गेट गुड रिटर्न्स, अगर आप इसको इन्फ्लेशन से कंसिडर करोगे। अब बात करते हैं कि ELSS म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। ELSS म्यूचुअल फंड्स आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, जहाँ फंड मैनेजर जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, आपके इन्वेस्टेड पूंजी को डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, FMCG हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो। अपनी सोच समझ और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके बिहाफ पर बास्केट ऑफ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। ELSS में आपकी इन्वेस्टेड पूंजी 3 साल के लिए लॉक होती है, यानी 3 साल से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जैसे कि टैक्स सेविंग FD में 5 साल का लॉक इन होता है, PPF में 15 साल का, उसी तरह से ELSS म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का। ELSS में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? अगर आप अपने रिटर्न्स पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कमाना चाहते हो या इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, तो इक्विटी इज़ द बेस्ट चॉइस। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है लंबी अवधि में।
सो इक्विटी डाइवर्सिफाइड और ELSS म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप टैक्स तो सेव कर ही सकते हो अंडर ATC, साथ ही आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जैसे कि आपकी टैक्स सेविंग FD, PPF कंपैरिजन में उनसे ज़्यादा रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो। एक और बात ध्यान देने वाली दोस्तों ये है कि ATC में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसके लिए आपके लिए 1.5 लाख रुपये तक की आप टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो, किसी भी टैक्स सेविंग में इन्वेस्टमेंट करके आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ टैक्स बचाना है, बल्कि आप जिस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको रिटर्न भी मिल सके। फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स सेविंग आपका एक अहम हिस्सा है। आप अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को आपके दूसरे फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल के साथ भी अलाइन कर सकते हो, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप ELSS में SIP स्टार्ट कर सकते हो 15 से 20 साल के लिए। इससे आपका हर साल टैक्स तो सेव होता ही है, साथ ही आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी में कॉर्पस भी जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे कौन से 5 टैक्स सेविंग ELSS म्यूचुअल फंड्स है जहां आपको पैसा लगाना चाहिए। जो सबसे पहला फंड आता है वो आता है दोस्तों हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स लिए 96। अगर आप फंड के स्टार्टिंग में, यानी फंड स्टार्ट हुआ था 1996 में, तो अगर आप 1 लाख रुपए लगा चुके होते इस फंड में, 30 नवंबर 2017 में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू दोस्तों 1 करोड़ होती। मैं यहाँ पे NAV के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। फंड को लगभग 20 साल हो चुके हैं और लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए फंड अभी भी टॉप 3 ELSS कैटेगरी में। अगर फंड्स के बात करते हैं हम इसके एसेट साइज की, यानी फंड को मैनेज, फंड का जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो है 4,349 करोड़ का। फंड का जो एक्सपेंस रेशो है डेट इज 2.31% का है। बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि फंड्स के अब हम अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो जो फंड का ट्रेलिंग है लास्ट 1 ईयर जो ट्रेलिंग रिटर्न है डेट इज 39.14। ट्रेलिंग रिटर्न बेसिकली जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियोस में भी बनाया हुआ था कि कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर फंड को कंपेयर करते हो, उसके रिटर्न्स कंपेयर करते हो, तो हमारे पास 2 तरह से रिटर्न्स होते हैं। एक होते हैं एनुअल रिटर्न्स, एक होते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न्स आपको कभी भी एक क्लियर पिक्चर नहीं देते फंड्स की। आपको जब भी कंसिडर करना है, रिटर्न्स को कंपेयर करना है, आप हमेशा ट्रेलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करें। ट्रेलिंग रिटर्न्स इज अ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड इट डिपिक्ट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। तो लास्ट 1 ईयर का फंड का रिटर्न है 39.14 का, कैटेगरी का है 33.33 का, लास्ट 3 ईयर्स का भी है 17.16 का, और कैटेगरी का है 13.95 का, और 5 ईयर्स में भी फंड ने अच्छा खासा परफॉर्म दिया है। फंड का जो रिटर्न है वो है 21.93 का और कैटेगरी का 18.08 का। वहीं अगर इसके वोलेटिलिटी मेजरमेंट की बात करें तो फंड का जो बीटा है, बीटा बेसिकली इज अ वोलेटिलिटी मेजरमेंट रिलेटेड टू द मार्केट परफॉर्मेंस एंड इट शुड बी लेस देन 1। जो फंड का बीटा है डेट इज 0.86 और कैटेगरी का जो बीटा है डेट इज 0.95। वहीं फंड का जो शार्प रेशो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है डेट इज़ दी 0.87, वहीं लेकिन कैटेगरी का जो एवरेज है वो है 0.62। और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली कि फंड कितना वेरिएबल है या कितना वोलेटाइल है अपने मीन से, तो डेट इज़ दी 13.38 एंड कैटेगरी का है 14.18 एंड इट शुड बी लेस एक्चुअली, जितना कम उतना अच्छा है। फंड्स का अल्फा यानी एक्सेसिव परफॉर्मेंस कितनी रही है फंड्स की, अपने बेंचमार्क से कितना एक्सेसली परफॉर्मेंस किया है, यानी एवरेज से कितना एक्सेस में परफॉर्म किया है, तो दैट इज़ दी 9.65। मैं आपको सिर्फ एक मेजरमेंट्स बता रहा हूँ आपको। तो अल्फा है फंड का 9.65, वहीं कैटेगरी का जो अल्फा है दैट इज दी 6.61। फंड्स की अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, फंड का जो मैक्सिमम पैसा है, फंड की एक फिलॉसफी है कि जो बेसिकली वो कंपनी जहाँ पे वैल्यूएशन कम है या रीजनेबल प्राइसेस में मिल रही है, फंड मैक्सिमम पैसा अपना वहाँ लगाता है। तो इसलिए फंड का जो मैक्सिमम पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में लगता है। लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा लगता है कंपनी का 40-45%, लेकिन जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा लगता है। फंड्स के अगर कुछ मुझे टॉप होल्डिंग्स की बात करनी पड़े तो फंड की जो टॉप होल्डिंग है सुंदरम क्लेटन है, जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है। फंड का मैक्सिमम पैसा 8.94% वहाँ लगा हुआ है। हनीवेल ऑटोमेशन है, जिलेट है, जॉनसन कंट्रोल है, बेयर क्रॉप साइंस है। तो इन्हीं सेक्टर्स में, इन्हीं होल्डिंग्स में पैसा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगता है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स लिए 96 का। बट एक अच्छी चॉइस है, कंसिस्टेंटली फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन की भी मैं बात करूँ तो फंड का इंसेप्शन से रिटर्न यानी 1996 से लेकर अब तक रिटर्न की भी बात करें, फंड का रिटर्न सिंस लॉन्च रहा है 25.95% का। और बेसिकली
अगर इसके एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स का जो एनुअल रिटर्न है कैटेगरी का वो है 8.35 का, और यहाँ का फंड का है 8.30। बट मैं आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा कंसिडर करना है कि फंड का ट्रेडिंग रिटर्न्स कितना है। अब दूसरा फंड जो हमारी कैटेगरी में आता है, दैट इज़ दी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बेसिकली कुछ लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से इन्वेस्टर्स इस पर अपनी होप लूज कर रहे थे, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस कैटेगरी वाइज या कंपैरेटिवली टू देयर पीयर्स इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन फंड का जो एसेट है दैट इज दी 15,408। फंड की बेस्ट बात या फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यह है कि फंड मैक्सिमम जो पैसा है अपना गुड बिजनेसेस में लगाता है, सिर्फ टॉप क्वालिटी कंपनीज में लगाता है। इसलिए फंड का जो मैक्सिमम पैसा है, मोर देन 65% पैसा सिर्फ लार्ज कैपिटलाइज्ड कंपनीज में लगता है, और अपने इन्वेस्टेड पूंजी को साइक्लिकल स्टॉक्स जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा होता है या साइक्लिकल रिकवरीज आती है बेसिकली, जहाँ पे नॉर्मली आपके पॉलिटिकल इंटरवेंशन या गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बेसिस पर आपके स्टॉक्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उन स्टॉक्स में या उन सेक्टर्स में कभी भी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी पैसा अपना पैसा नहीं लगाता। सिर्फ जहाँ पर बैलेंस शीट अच्छी है या गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है कंपनी के, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सिर्फ उन्हीं में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और यही एक रीज़न है क्योंकि नॉर्मली फंड ने मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप कंपनीज में इतना पैसा नहीं निवेश किया हुआ है या नहीं लगाता है, और इसी फिलोसफी के साथ कंटिन्यू करा है। दैट्स द रीज़न कि लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कंपेरेटिवली परफॉर्म नहीं किया। पर फिर भी इसके जो रिटर्न्स पैरामीटर्स है, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर की, अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करूँ तो फंड का जो ट्रेलिंग रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है 31.45 का, लेकिन कैटेगरी का है 33.33% का। 3 ईयर्स में भी सेम फंड का जो ट्रेलिंग रिटर्न है दैट इज 13.04% का, लेकिन कैटेगरी का है 13.95 का। द बेस्ट पार्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि फंड का जो मेन फिलोसफी है वो यही है कि सिर्फ गुड क्वालिटी कंपनी जहाँ पे लॉन्गर पीरियड में रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं लगाता है। दैट इज द रीज़न कि जो लास्ट 5 ईयर्स का जो फंड का रिटर्न है वो है 22.10 का, लेकिन कैटेगरी का है 18.08 का। वहीं अगर 7 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 7 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 18.29% का, लेकिन कैटेगरी ने रिटर्न दिया है 13.20 का। एंड फंड की अगर हम पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें मैक्सिमम पैसा यानी अप टू 65% मोर देन 65% पैसा आपका फंड का लार्ज कैप कंपनीज में, और मिड कैप में 30.21% के आसपास का पैसा निवेश है। फंड की अगर मैं कुछ होल्डिंग्स की बात करूँ तो फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, HDFC और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। फंड्स की अगर मैं रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करते हैं, यानी फंड 2009 से स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, तब से लें 2009 से लेकर अब तक 30 नवंबर 2017 की बात करूँ तो फंड का जो एक एवरेज है यानी मीन रिटर्न जो है वो है 19.20% का, और दैट इज़ गुड एक्चुअली। अब बात करते हैं फंड्स के कुछ वोलेटिलिटी मेजरमेंट्स की। फंड की अगर मैं बीटा की बात करूँ, एक्चुअली एज पर द स्टैंडर्ड आपका बीटा इट शुड बी लेस देन 1, बीटा जितना 1 से कम उतना अच्छा है। फंड का जो बीटा है दैट इज़ द एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो बीटा है दैट इज 0.77। वहीं अगर इसके कैटेगरी की बात करें कंपैरिजन में तो कैटेगरी का जो बीटा है दैट इज 0.95, तो दैट इज़ गुड एक्चुअली। फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है या अपने एवरेज से जितना पास हो उतना अच्छा है, तो फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.99 और कैटेगरी का है स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.18 का। फंड का अल्फा है 6.23 का और कैटेगरी का है 6.61 का। इन्हीं सब रीजन से वोलेटिलिटी मेजरमेंट से या ट्रेलिंग रिटर्न्स को अगर हम कंसीडर करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज द बेस्ट चॉइस फॉर द लॉन्गर टर्म। जो इन्वेस्टर्स अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या चाइल्ड एजुकेशन के लिए या चाइल्ड मैरिज के लिए उनका एक गोल है और लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटीज में, डाइवर्सिफाइड इक्विटीज में, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज द बेस्ट चॉइस। नॉर्मली मैक्सिमम पैसा आपका एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में लगता है, यानी सेफेस्ट हम बोल सकते हैं सेफेस्ट स्टॉक लार्ज कैपिटलाइज कंपनीज में लगता है, मिड कैप में बहुत कम पोर्शन पोर्टफोलियो का एलोकेट है। तो आपके इन पर्टिकुलर गोल या रिटायरमेंट गोल है, आपका चाइल्ड एजुकेशन है या चाइल्ड मैरिज का कोई गोल है तो आपका, और आपके पास पीरियड है 10 साल 15 साल, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा जो फंड आता है दोस्तों हमारी कैटेगरी में, हमारी लिस्ट में, वो आता है DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड। अगर मैं DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड की बात करूँ तो फंड का जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज है वो है 3571 करोड़ का,
फंड का जो एक्सपेंस रेशो यानी फंड को जो मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर चार्ज करता है फी, वो दैट इज़ दी 2.51%। मैं हमेशा ये फेवर करूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे LSS हो या नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, आप हमेशा डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका फंड का जो एक्सपेंस रेशो दैट इज़ दी 2.51% का है। फंड स्टार्ट हुआ था 2007 में, तो 2007 से लेकर अभी तक मैं इसके रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करूँ, यानी एक एवरेज रिटर्न की बात करूँ, तो दैट इज़ दी 15.23% का है। फंड्स के जैसे जो मैक्सिमम जो पैसा है फंड का, वो इसमें लार्ज कैप कैपिटलाइज्ड कंपनीज में लगा हुआ है। मिड कैप में 21.03% की हिस्सेदारी है। फंड का मैक्सिमम एलोकेशन लार्ज कैपिटलाइज्ड कंपनीज में है। मोर देन 70% पैसा अभी भी पैसा पोर्टफोलियो का पैसा लार्ज कैपिटल कंपनी में है। अगर मैं उसकी कुछ होल्डिंग्स की बात करूँ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील में अभी भी पैसा लगा हुआ है। मेन फंड की सबसे ज़्यादा खास जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो यही है कि फंड का जो पैसा है साइक्लिकल स्टॉक, साइक्लिकल सेक्टर्स में भी लगा हुआ है। लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि साइक्लिकल सेक्टर्स या बेसिकली साइक्लिकल स्टॉक्स जो नॉर्मली है, जैसे कि टाटा स्टील हुआ या ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, रिटर्न्स अच्छे मिले हैं। तो इसी बेसिस पर डेस ब्लैक रॉक टैक्स सेवर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लास्ट कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। अगर अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें, ट्रेलिंग रिटर्न्स की मैं बात करता हूँ, तो लास्ट वन के जो फंड का ट्रेलिंग रिटर्न है वो है 29.31 का। फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500, वहीं फंड के जो कैटेगरी ने रिटर्न दिया है 33.33% का दिया है। 3 ईयर्स में भी फंड ने 15.89% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने दिया है 13.95 का। 5 ईयर्स के पीरियड में भी, 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में भी फंड ने रिटर्न दिया है 20.22 का और कैटेगरी ने रिटर्न दिया है 18.08 का। 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में फंड ने अच्छा खासा अपने कैटेगरी को, अपने बेंचमार्क को बीट किया है अच्छे खासे मार्जिन के साथ में। फंड के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की भी बात करेंगे, ट्रेलिंग रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो कैटेगरी ने रिटर्न दिया 8.35 का और बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 5.69% का, लेकिन फंड ने रिटर्न दिया है 10.37%। सो दिस आल्सो बी द गाइड कैन बी अ गुड चॉइस फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ULSS में, आपके लंबी अवधि के लिए, आपके किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए, रिटायरमेंट के लिए या टैक्स सेव करने के लिए, तो DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड भी आपके लिए एक अच्छा चॉइस है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला जो हमारी लिस्ट में आता है, दैट इज़ दी IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। IDFC टैक्स एडवांटेज काफ़ी पुराना फंड नहीं है, 2008 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2008 से लेके अभी तक फंड के जो परफॉर्मेंस रही है या जिस तरह से फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रही है, वो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी अच्छे से वर्क की है। फंड्स के अगर 2008 से लेके अभी तक के एवरेज रिटर्न की बात करूँ, तो रिटर्न सिंस लॉन्च रहा है फंड का 21.43% का। फंड का जो मैक्सिमम पैसा है वो डाइवर्सिफाइड है, बेसिकली आप मोर देन 47% आपका लार्ज कैपिटलाइज्ड कंपनीज में और 31% आपका पैसा मिड कैप कंपनीज में लगा हुआ है, और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा पोर्शन है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, मोर देन 20% पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट होता है। फंड्स की जो होल्डिंग्स है, अगर मैं टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करूँ, तो HDFC बैंक है, फ्यूचर रिटेल, ICICI बैंक, मिंडा इंडस्ट्रीज, KEC इंटरनेशनल समय है इसकी इन्वेस्टमेंट। फंड के अब ट्रेडिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की, तो जो लास्ट 1 ईयर में फंड ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छे खासे मार्जिन के साथ अपने कैटेगरी को बीट किया है। लास्ट 1 ईयर में फंड ने रिटर्न जो दिया है वो है 45.49% का और कैटेगरी ने दिया है, इसके जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है BSE 200। कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 33.33% का। लास्ट 3 ईयर्स में भी फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, दैट इज़ दी 17.53% का, लेकिन कैटेगरी ने दिया है 13.95% का। और 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 20.94% का और कैटेगरी ने रिटर्न दिया है 18.08 का। अगर इसके वोलेटिलिटी मेजरमेंट की बात करें, तो फंड का बीटा है दैट इज 0.96, इट शुड बी लेस देन 1, दैट इज गुड एक्चुअली। कैटेगरी का जो बीटा है दैट इज 0.95। फंड का जो अल्फा है दैट इज द मेन पार्ट एक्चुअली, फंड का जो अल्फा है दैट इज द 10.11, वहीं कैटेगरी का जो अल्फा है दैट इज द 6.61। फंड का अल्फा इज अ गुड, अगर किसी भी कैटेगरी में इसकी ELSS कैटेगरी में अल्फा की बात करें, तो IDFC टैक्स एडवांटेज फंड का अल्फा काफ़ी अच्छा है। फंड की अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करें, तो दैट इज दी 14.83, लेकिन कैटेगरी का जो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.18 का है। शार्प रेशो भी अच्छा है फंड का, दैट इज दी 0.83, कैटेगरी का 6.2,
इट शुड बी पॉजिटिव, जितना ज़्यादा आपकी कैटेगरी से ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो IDFC टैक्स एडवाइज आल्सो द गुड फंड, फंड के जैसे मैंने बताया फंड का जो एसेट है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 798 करोड़ का ही है, इसलिए फंड का एक्सपेंस रेशो भी 2.37 का है। तो अगर आप प्रेफर करते हो तो बेटर है कि आप इसके डायरेक्ट ऑप्शन में जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अगला जो ऑप्शन है, लास्ट जो ऑप्शन है हमारा दोस्तों, वो है L&T टैक्स एडवांटेज का। L&T टैक्स एडवांटेज फंड भी आपका ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 2006 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2006 से लेके अभी तक अगर इसके रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो दैट इज़ दी 15.62% का है। फंड का कुछ लास्ट ईयर्स के कुछ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। फंड का मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप कैपिटल कंपनीज मिड कैप में ही लगता है, स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा पोर्शन है कंपनी का पोर्टफोलियो का 12.92% तक का है। बट फंड की जो होल्डिंग्स है वही HDFC बैंक, ग्रेफाइट इंडिया, HDFC, ICICI बैंक और लार्सन टुब्रो है जो इसकी टॉप होल्डिंग्स है। अब फंड्स के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करता हूं, तो जो लास्ट वन ईयर की जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है वो है 35.05% का, वहीं कैटेगरी का है 33.33 का। थ्री ईयर्स का जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो है 16.66 का और कैटेगरी का है 13.95 का। फंड का फाइव ईयर्स का भी ट्रेलिंग रिटर्न अच्छा है, दैट इज 18.67, और 10 ईयर्स का भी अगर बात करें तो उसका 11.17 है एंड कैटेगरी का है 8.35। तो बेसिकली दिस इज द न्यू फंड, ज़्यादा पुराना फंड नहीं है ये IDFC टैक्स एडवांटेज, L&T टैक्स एडवांटेज ज़्यादा पुराने फंड नहीं है, लेकिन कुछ लास्ट फाइव ईयर्स के जो इनके परफॉर्मेंस रहे या जो इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रही है, जिस तरह से ये ऊपर आए हैं, अपनी फर्स्ट वन रैंकिंग, टू रैंकिंग, थ्री रैंकिंग से ऊपर बढ़कर फिफ्थ रैंकिंग पर आया है या नॉर्मली फाइव स्टार रेटिंग में आया है वैल्यू रिसर्च में या मनी कंट्रोल पे, उस तरह से हमें कह सकते हैं कि फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी रीज़न से हमने इनको अपने टॉप फाइव लिस्ट में ऐड किया है। तो दोस्तों मेरे को वीडियो बनाने का आज का रीज़न यही था कि मैं आपको बता सकूं कि LSS म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, और ये मेरी जितने भी मैंने आपको टॉप फाइव फंड्स बताई है मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस है। हो सकता है कि आप दूसरे फंड्स को कंपेयर करो, आपके पास दूसरे आपकी दूसरी थिंकिंग हो या आप सोचते हो कि दूसरे फंड भी अच्छा है। काफ़ी सारे फंड्स हैं LSS कैटेगरी में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है LSS फंड्स में तो मैं इन 5 फंड्स में से सेलेक्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी विनती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाली वीडियो में और कुछ नए टॉप 5 फंड्स के बारे में बताएंगे, आपको नई कैटेगरी के बारे में बताएंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए ELSS के बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।